तो दोस्तों आज हम इनके फेस में कलर टोन करने वाले हैं, और जैसे कि आप ये कलर टोन देख रहे हो, इसे बनाने के लिए हम इस फेस कलर टोन का यूज करेंगे। और आपको इस फेस कलर टोन का यूज कुछ इस तरह से करना है, जिस तरह से मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ना, आपको इसी तरह से इसमें धीरे धीरे कलर शेड्स करनी है। अब दोस्तों हमें इसी फेस कलर टोन का यूज करना है, और जहां पर लाइट कलर शेड्स है वहां पर हमें लाइट कलर शेड्स करनी है, और जहां पर डार्क कलर शेड्स है वहां पर हमें डार्क कलर शेड्स करनी है इसी पेंसिल कलर की हेल्प से। अब मैं अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग लाइट और डार्क कलर को ऑब्जर्व करके इसमें लाइट और डार्क कलर शेड्स कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से इसमें लाइट और डार्क कलर शेड्स कर लेनी है। अब दोस्तों हमें ये वाली पेंसिल कलर शेड्स लेनी है, देन इसके बाद हमें इसमें कलर शेड्स करनी है, और हमें लाइट लाइट कलर शेड्स करनी है। आपको पेंसिल कलर्स को कुछ इतनी दूर से पकड़ना है, देन इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप कलर शेड्स करते जाना है, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है सेम इसी तरह से। जब आप इस तरह से लाइट लाइट कलर शेड्स करोगे तो उसमें एक नेचुरल इफेक्ट आएगा जो कि हमारा स्किन कलर का होता है। वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, और जिस तरह से मैं कलर शेड्स कर रहा हूँ सेम आपको इसी तरह से करना है। सबसे पहले लाइट कलर शेड्स करनी है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें डार्क कलर शेड्स करते जाना है। अब हम इस कलर शेड्स को थोड़ा और स्मूथ बनाने के लिए इसमें व्हाइट कलर का यूज करेंगे, और व्हाइट कलर को आपको थोड़ा ध्यान से यूज करना है ताकि इसमें कोई भी हार्डनेस ना आए। और जिस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ ना सेम आपको इसी तरह से यूज करना है, जिससे कि आप अच्छे से इसमें कलर शेड्स कर पाओ। अब हमें थोड़ा वो डार्क शेड्स करने के लिए इसमें इस ब्राउनिश कलर शेड्स का यूज करना है। आप कोई भी ब्राउनिश कलर शेड्स का यूज कर सकते हो, और इस तरह से आप अच्छे से रियलिस्टिक बना सकते हो। थोड़ा वो डार्क शेड्स करने के लिए हमें कि हमारे रेफरेंस में इधर की साइड थोड़ा डार्क शेड्स है, इधर भी डार्क शेड्स है, जो ये डार्क शेड्स है ना ये इसमें प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। तो इसे भी आपको इसी तरह से लाइट लाइट यूज करना है। जहाँ पर लाइट कलर शेड्स है वहाँ पर आपको लाइट कलर शेड्स करनी है, और जहाँ पर डार्क कलर शेड्स है वहाँ पर आपको डार्क कलर शेड्स करनी है। अब आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि मैं किस तरह से कलर शेड्स कर रहा हूँ, सेम आपको भी इसी तरह से ऑब्जर्व करके कलर शेड्स करना है। अब दोस्तों हमने इसमें कलर शेड्स तो कर दिए है, अब आपको टोम्बो मोनो जीरो इरेजर लेनी है। देन इसके बाद जैसे कि इधर के इस पार्ट में हाईलाइट्स है, इनकी नोज पर भी हाईलाइट्स है, जहाँ पर भी हमारे रेफरेंस में हाइलाइट्स है वहाँ पर आपको इसी रेजर की हेल्प से हाइलाइट्स कर लेना है। और आपको अपने हेड को कुछ इस तरह से लाइट लाइट मूव करना है, और जो है कलर शेड से इसको थोड़ा थोड़ा सा रफ कर लेना है इस तरह से, तो वहाँ पर हाइलाइट्स हो जाएगा। तो आपको हाइलाइट्स बहुत ही धीरे धीरे करना है, एकदम से रफ नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको रफ करना है, जब उसमें अच्छे से हाइलाइट्स हो पाएगी। देखिए जैसे मैंने ये पार्ट किया ना, इसी तरह से आपको हाइलाइट्स करना है। तो दोस्तों जो इनके फेस है हमने इसमें हाइलाइट्स तो कर ली है, अब जो इनकी कैप है इसमें कलर शेड्स करने के लिए हम इस वाली ग्रे कलर का यूज करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम ग्रे कलर से शेडिंग करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रे कलर का इफेक्ट है इसे देने के लिए हम इस ग्रे कलर का यूज करेंगे। तो आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें इस कलर शेड्स को कर लेना है, आपको इसे कुछ इस तरह से धीरे धीरे करना है। और जहां पर आपके रेफरेंस में ग्रे कलर दिख रही है ना, आपको वहीं पर इससे ग्रे कलर्स कर लेना है। अब दोस्तों हमारे रेफरेंस में जहां पर भी ग्रे कलर था हमने वहां पर ग्रे कलर कर लिया है। अब हम इसमें व्हाइट कलर का यूज करने वाले हैं, जिससे कि इसमें एक प्रॉपर तरीके से रियलिस्टिक इफेक्ट आ सके। अब हम इसमें व्हाइट कलर का यूज करेंगे, और हमें इस व्हाइट कलर को कुछ इस तरह से इसमें शेड्स करना है, और मिक्स करते जाना है, ब्लेंड करते जाना है, जिससे कि इसमें सॉफ्टनेस आ सके।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम जो इनके ड्रेपरी है रेड कलर की जो ड्रेपरी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हम उसमें कलर शेड्स करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पर भी आर्ट से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।